ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਿਆਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾਧੁੰਦ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੀਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਮਖਾਨਾ ਸੈਕਟਰ 3 ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਗਈ? इसके अंदर 26 और 27 की नाइट को वहाँ एक शादी का फंक्शन चल रहा था जिमखाना क्लब में MDC में, जिसमें कि डीजे के जो डीजे ऑपरेट कर रहा था उसके साथ किसी गेस्ट की लड़ाई हुई, बहसबाजी हुई, और उसके बाद उसने जो गेस्ट था उसने वहाँ पे दो राउंड जो है फायर करे। इसकी हमने वीडियो जो फुटेज है वो भी प्राप्त की है वहाँ से, और उसमें दिखाई भी दे रहा है कि ये जो है एक्यूज हैं वो वहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं। और जैसे ही इसकी सूचना हमारे को मिली है उसके बाद हमने इस पे केस रजिस्टर किया अलग अलग सेक्शंस में, क्योंकि वहाँ डीजे जो है रात को 10 बजे के बाद भी बहुत लाउड उसमें प्ले हो रहा था, वो भी वीडियो की फुटेज से क्लियर हो गई है बात, इसलिए उसमें डीजे ऑपरेट जो कर डीजे जो मालिक है उनके खिलाफ भी केस जो है वो उसी केस के अंदर वो भी उनको भी अरेस्ट किया। डीजे मालिक का तो ये कहना है भी मुझे जो है दबाव बनाया गया, जब मैंने बंद करने की कोशिश की डीजे तो मेरे साथ मारपीट की गई, तो नहीं इस तरह का कोई उनकी तरफ से हमारे पास कोई ऐसा कॉल नहीं आया। एक 100 नंबर जो है वो अवेलेबल रहता है, अगर कोई भी इस तरह का किसी भी सिचुएशन में हो तो वो बड़े आराम से हमें कॉल करके बता सकते थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और 12 बजे के बाद तक भी वहाँ पे म्यूजिक जो है वो ऑपरेट हो रहा था, तो इस वजह से उसमें 188 सेक्शन जो है एक ऐड की गई थी केस के अंदर, उसी के तहत वो अरेस्ट हुआ। तो साफ वीडियो में भी दिखाई दे रहा है 100 नंबर पे कई बार कॉल किया था, उसके बावजूद पुलिस पहुंची और वो भी लेट पहुंची। नहीं इस तरह का कोई अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, बट अगर ऐसा कुछ भी है तो हम उसको भी चेक करें। तहत किस किसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ? अभी एक्यूज्ड और अरेस्ट नहीं हुआ है, और FIR जो है वो भी बाय नेम नहीं थी, तो किसके तहत हुआ है वो तो अरेस्ट होने के बाद ही पता इसमें क्लियर हो पाएगा। तो मैम साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है भी एक व्यक्ति है, उसकी पहचान भी हो रही है, तो क्यों 2 दिन की देरी, क्या रीजन है भी अभी तक जो व्यक्ति की पहचान नहीं? देरी हमारी तरफ से देरी की बात नहीं है, एफर्ट्स जो है वो अरेस्ट के लिए किए जा रहे हैं, और जल्दी इसमें हम एक्यूज को जो है अरेस्ट करेंगे और कोर्ट में पेश करेंगे। और अभी तक इसमें क्या चीजें? ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली पार्टी हम बुक करते हैं, रात को 12:30 बजे म्युनिसिपैलिटी वाले का फोन आया है यहाँ कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, तो मैं यहाँ आया घर से, यहाँ देखा कुछ पुलिस वाले खड़े थे ऑलरेडी पहले ही, तो मैंने स्टाफ ने इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ एक आधा कोई बाहर से कोई बंदा आया, ऐसे एक आधा कोई फायर किया। मैंने इमीडिएटली डीजे एंड पार्टी बंद कराई, उनका जो डिनर विनर लगना था 2 बंदे का खड़ा के अपना लॉक एंड की करके चला गया जी। नहीं 200 फायर वाली बात तो मेरे साथ नहीं, तो सर वीडियो जो सामने आई है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि वो राउंड फायर कर रहे हैं। सर मैंने आई नेवर सीन द वीडियो, ओके, बिकॉज रात को 2 बजे तो मैं ड्यूटी पे होता नहीं हूँ, और मैं कोई गेस्ट लिस्ट चेक नहीं करता कौन आदमी किसको गेस्ट को बुलाया है, क्योंकि सर ये काफी हाई प्रोफाइल जिमखाना क्लब है, हाई प्रोफाइल नॉर्मली ऐसा हम वेरीफाई करके बुकिंग करते हैं जी। तो उन्होंने मैंने जो गेस्ट थे उनसे पूछा था, वो कहते जी हमारा तो कोई नोन है नहीं है, कोई बाहर से कोई बंदा आया उसने कुछ नॉनसेंस करी और वो चला गया। सर सबसे बड़ी बात यह कि स्टेज पर चढ़कर जहाँ दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे थे वहां पर चढ़ के उसने फायर किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाहर से बंदा आया और चढ़ गया? जो मेरे को पता लगा थी ऑनेस्टली बता दिया जी, बाकी पुलिस इज वेरीफाइंग द मैटर। तो आपके लेवल पर कुछ किया जा रहा है इसमें चेकिंग पुलिस के साथ साथ कुछ? हमने तो ऐसे ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस को LP जरूरत होगी उनके साथ। CCTV वगैरह कुछ आप तरफ से चेक? हमारे पास CCTV है बट वी डोंट मेक द CCTV फॉर द पार्टीज, ओके, हमारे इनसाइड कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी CCTV है, उनका हमारा रिकॉर्ड है, पर पुलिस पूछेगी तो देखेंगे। ठीक है सर। दस दईये कि देर रात तक डीजे चला के हुड़दंग मचाना ते हवाई फायर करना लोकां लई जानलेवा साबित हो चुका है, पर उस दे बावजूद व्याह प्रोग्रामां विच हथियार लैके पहुंचण वालियां खिलाफ पुलिस कोई ठोस कदम चुकदी नजर नहीं आ रही।